दोस्तों, काला पानी या सेलुलर जेल के बारे में तो आप जानते ही होंगे। यह एक ऐसा जेल था जिसे ब्रिटिश शासनकाल के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को कैद में रखने के लिए बनाया था। इस जेल में कैद सेनानियों को काफ़ी ज़्यादा अत्याचार और पीड़ा से गुजरना पड़ता था। यह जेल चारों ओर से पानी से घिरा हुआ था, जिस वजह से इसे काला पानी के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों, चलिए आज जानते हैं काला पानी के जेल के बारे में। और दोस्तों, मैं आपको इसमें मिलने वाली सजा के बारे में ही बताऊंगा, जो कि ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटिशर्स भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को देते थे। तो दोस्तों, अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको भारतीय होने पर गर्व है तो वीडियो को लाइक भी करके जाइएगा। दोस्तों, काला पानी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द काल से हुई है, जिसका अर्थ होता है समय या मृत्यु, यानी कि काला पानी का अर्थ हुआ मृत्यु जल। काला पानी का तात्पर्य ऐसे स्थान से है जहां से कोई वापस लौट नहीं आ सकता। काला पानी की सजा के तहत लोगों को उनके देश से निकाल दिया जाता था। इस जेल में प्रत्येक कैदी के लिए एक अलग से कोठरी बनाई गई थी, जिससे वे आपस में बात न कर सकें। इस जेल के कठोर अत्याचारों के साथ ही यहाँ का अकेलापन कैदियों के लिए सबसे भयानक होता है। काला पानी जेल भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की कठोर यातना और तकलीफों को बयां करता है। इस जेल की हवाओं में आपको स्वतंत्रता सेनानियों की सांस घुली हुई दिखाई देगी। सेलुलर जेल भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है। यह वहां की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। वैसे तो अंडमान निकोबार काफ़ी सुंदर प्रदेश है, लेकिन यहाँ पर बना यह काला पानी जेल इसकी सुंदरता पर एक काले इतिहास की तरह है। यह जेल चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। दरअसल यह बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में बनी हुई है। यही वजह थी कि जेल की चारदीवारी को भी छोटा बनाया गया था, जिससे कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से पार भी कर ले। लेकिन तब भी वह जेल से बाहर नहीं निकल सकते थे, क्योंकि यदि वह जेल से बाहर निकलने की कोशिश करते तो चारों तरफ फैले हुए गहरे समुद्र में डूब कर मर जाते। काला पानी जेल की सजा का अर्थ था उन्हें भारत से हजार किलोमीटर दूर स्थित सागर के बीच घिरे इस जेल में कैद करना। यह जेल आज़ादी के दीवानों पर किए गए कठोर अत्याचार की गवाह है। इस जेल को अंग्रेजों द्वारा निर्मित कराया गया था, जिससे वे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को कैद कर सकें। इस तरह की जेल के निर्माण का विचार अंग्रेजी शासन के दिमाग में सन 1857 के विरोध के बाद हुई आया था, जिसके बाद इस जेल का निर्माण कार्य सन 1896 में आरंभ किया गया था, और इसके कुछ सालों बाद 1906 में जाकर यह बनकर तैयार भी हो गया। जब भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को काला पानी सेलुलर जेल में डाला जाता था, तब आम भाषा में बोला जाता था कि उन्हें काला पानी की सजा हुई है। इसे काला पानी की सजा इसलिए भी बोला जाता था क्योंकि चारों ओर सिर्फ समुद्र ही था और ज़मीन का कई किलोमीटर तक कोई नामो निशान नहीं होता था। सेलुलर जेल में 3 मंजिल की 7 शाखाएँ बनाकर तैयार की गई थी। इन 7 शाखाओं के बीच बीच के एक टावर बनाया गया था, जिसका काम होता था कैदियों पर नज़र रखना। इस टावर पर एक बहुत बड़ा घंटा भी लगाया गया था। जब संकट की घड़ी या परेशानी होती थी, तब उस घंटे को बजाया जाता था। इस जेल में 696 कोठरियां बनाई गई थी। हर कोठरी का आकार 4.5 मीटर × 2.7 मीटर था। इन कोठरियों में 3 मीटर की ऊंचाई पर खिड़कियां बनाई हुई थी। ऐसे में आपको लग रहा होगा कि इन खिड़कियों के जरिए कोई भी कैदी आसानी से निकल सकता था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, इस जेल के चारों तरफ पानी भरा हुआ है, तो कोई चाहकर भी यहां से नहीं भाग सकता। इस जेल का नाम सेलुलर जेल इसीलिए पड़ा था क्योंकि यहां की प्रत्येक कोठरी में सिर्फ एक ही कैदी को रखा जाता था, जिस वजह से वह एक दूसरे से किसी भी रूप में बात नहीं कर पाते थे, और एकांत और अकेलापन उनके लिए सबसे ज़्यादा खौफनाक होता था। सेलुलर जेल की दीवारों को लाल ईंटों से निर्मित किया गया था, जिन्हें म्यांमार से मंगवाया गया था। इस दौरान म्यांमार को वर्मा के नाम से जाना जाता था। इसकी दीवारों पर आपको शहीदों के नाम लिखे दिखाई देंगे। वर्तमान में यहाँ एक संग्रहालय भी बनाया गया है, जहाँ पर उन सभी अस्त्रों को रखा गया है जिसके जरिए भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किए गए थे। काला पानी जेल का निर्माण करने में कुल
लागत 5,17,000 रुपए लगी थी, लेकिन अब इस कारागार में केवल 3 ही अंश बचे हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद इसकी बाकी शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया था। इन 3 शाखाओं तथा मुख्य टावर को वर्ष 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। इससे पहले वर्ष 1963 में यहां पर गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल खोला गया था, जो कि 500 बिस्तर वाला अस्पताल बन चुका है। यहां पर 40 डॉक्टर मौजूद हैं जो यहां के निवासियों का इलाज करते हैं। सेलुलर जेल में 10 मार्च 2006 को शताब्दी समारोह मनाया गया। इस समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी गई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार की सज़ा दी जाती थी। दोस्तों, ये सज़ा सुन के किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। उनको बैलों की तरह चलवा कर तेल निकाला जाता था। जिस प्रकार हल चलता है, उसी प्रकार से उनको हल चलाना पड़ता था। उनके किसी ज़्यादा मांग करने पर उनके शरीर पर गर्म लोहे की रॉड से मारा जाता था, जो कि बहुत ही दर्दनाक था। उनको पीने के लिए साफ पानी भी नहीं दिया जाता था, और उनको कभी कभार ऐसे कमरों में बंद कर दिया जाता था जहां पर जहरीले सांप, बिच्छू, केकड़े आदि पाए जाते थे, और उनके शरीर में पाइप को डालकर इतना दूध या पानी भरा जाता था जिससे कि उनकी छाती पूरी भर जाए, और उनकी जब सांस लेने की बिल्कुल क्षमता ख़त्म हो जाए तब तक उनके शरीर में दूध और पानी को डाला जाता था ताकि वह इंसान मारा जा सके। और उनसे दिन भर में इतना काम करवाया जाता था कि उनकी हालत एकदम ख़राब हो जाती थी, एकदम मरने की हालत पे आ जाते थे, परंतु उन्हें खाना पानी भी फिर भी सही से नहीं दिया जाता था। इतनी खतरनाक सजाओं की वजह से कुछ कैदी तो अपने आप को खुद ही मार देते थे, क्योंकि इस सबसे अच्छा कि वह खुद मर जाएं और वो कम से कम ऐसी दर्दनाक मौत तो नहीं पाएंगे। अब तो सेलुलर जेल को पर्यटन स्थल के रूप में देखा जाता है। अगर आपको वहां जाने का कभी मौका मिले या आप कहीं जाने का प्लान बनाए तो एक बार कालापानी जेल जरूर जाके देखिएगा। वहां जाके आपको हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष की कहानी मिलेगी, और वहां पर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कुछ ऐसी प्रतिमाएं भी मौजूद हैं जो कि कालापानी सजा की कहानी को बयां करती हैं। तो दोस्तों, ये थी कालापानी जेल यानी सेलुलर जेल की कहानी। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप एक सच्चे भारतीय हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और दोस्तों इस वीडियो को और भी भारतीय लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि उनको भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के इस संघर्ष की कहानी का पता चल सके। तो दोस्तों, चलिए अब हम आपसे मिलते हैं एक और अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।